नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही थी सी टेट की, तो सी टेट में हमारी सीरीज चल रही थी सिद्धांतों की। अगला सिद्धांत हमारा आ जाता है यहाँ पर पावलोव का सिद्धांत। तो पावलोव का सिद्धांत दोस्तों देख लेते हैं किस प्रकार का सिद्धांत है यहाँ पर, किस प्रकार का जो है इसके अंदर रखा हुआ है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो लाइक बटन जो है दोस्तों उसको लाइक बटन को दबा देना चाहिए। बहुत से लोग डिसलाइक करते हैं, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी करें, जिससे आप खुश हैं वो करें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, देखते रहिए स्टडी पॉइंट। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं पावलोव का सिद्धांत जो है अन्य नामों से जान जाता है। ये क्या होता है, अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, और दूसरा शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत भी इसी सिद्धांत को कहा जाता है, सी आर थ्योरी, और क्लासिकी अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत भी पावलोव के सिद्धांत को कहा जाता है, और एक और नाम इसका है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ये भी पावलोव के सिद्धांत हैं। दोस्तों इन नामों को, ये उपनाम है इनके, इन्हें भी जल्दी से याद कर लीजिएगा दोस्तों, इस नाम से भी पूछे जा सकते हैं कोई क्वेश्चन। तो देखते हैं पावलोव का सिद्धांत जो है, ये था पावलोव का सिद्धांत। तो इन्होंने क्या किया, पावलोव को इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला, किसके लिए, जो ये सिद्धांत है कुत्ते पर सिद्धांत कहते हैं उन्होंने, इसको पावलोव ने, इन्हें मिला 1940 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार। ये मनोवैज्ञानिक के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे। तो प्रयोग क्या क्या यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने प्रयोग किया क्या, पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया जिसको 3 चरणों में पूरा किया। वो चरण भी हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे बहुत अच्छी तरह से, आपको हंसते हंसते ये सिद्धांत याद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या पावलोव ने कुत्ते को लिया, ठीक है, कुत्ते को बांध लिया यहाँ पर एक, ठीक, और यहाँ पर कुत्ते की लाल ग्रंथि का इन्होंने ऑपरेशन किया, यहाँ पर एक नली लगाई, और नली ऐसी लगाई कि यहाँ पर किसी चीज़ में एकत्रित हो सके जाकर। तो कुत्ते को बांध के रखा उन्होंने, और इन्होंने इसकी जहाँ से लार निकलती है वहाँ पर इन्होंने लार ग्रंथि का जो है ऑपरेशन किया, वहाँ पर एक नली लगा दी, क्योंकि जो लार थी वो इस नली के माध्यम से इस बॉक्स में एकत्र, ठीक। इसको दोस्तों हम कहानी के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, तो कहानी सुन लीजिएगा थोड़ी सी, ये संबंधित इसी से है। तो क्या क्या, पावलोव ने कुत्ता लिया, कुत्ते को भूखा रख के उसे बांध लिया, और उसके सामने क्या क्या, एक भोजन दिया, यानी कि पहले भोजन दिया तो कुत्ते के मुंह में राल आ गई, स्वाभाविक है ये। फिर क्या किया, थोड़े दिन बाद घंटी बजाई, पहले घंटी बजाने के बाद फिर इन्हें भोजन दिया, फिर भी राल आ गई, लार आ गई मतलब। और फिर दोस्तों क्या क्या, एक बार इन्होंने घंटी बजा दी और भोजन नहीं दिया, तब भी कुत्ते के मुख से लार टपक रही थी। तो ये है इसका सिद्धांत। तो दोस्तों इसको सिद्धांत को समझ लेते हैं अच्छी तरह से। दोस्तों इन्होंने अपने सिद्धांत को 3 स्टेप में विभाजित किया है, इसको 3 स्टेप में पूरा किया है, तो देख लेते हैं। पहला स्टेप यहाँ पर है भोजन, यानी कि पहले कुत्ते को क्या दिया, भोजन, अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, UCS। तो भोजन दिया तो कुत्ते के मुख से लार जो है टपकी, ठीक है, स्वाभाविक है दोस्तों ये। तो थोड़े दिनों बाद क्या किया इन्होंने, पावलोव महाराज ने स्टेप टू में एक घंटी ली, पहले घंटी बजाई और फिर भोजन दे दिया। घंटी बजाने के तुरंत बाद भोजन दिया जाता था कुत्ते को, तो फिर भी लार टपकी, यानी कि UCR, ये भी स्वाभाविक है दोस्तों, कुत्ते को लगा कि घंटी बजेगी भोजन मिलेगा, लार टपकी। तो कुछ दिनों बाद क्या किया इन्होंने, पावलोव महाराज ने क्या किया, घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया भाई अब की बार, तब भी कुत्ते के मुख से लार निकली, क्योंकि दोस्तों ये क्या हो जाता है, उसको हैबिट में आ गई है ये बात। तो दोस्तों इसको एक बात से समझ सकते हैं हम, यानी कि आप मान लो आपका कोई भाई है, बॉयफ्रेंड है, आपके कोई गर्लफ्रेंड है, माता जी हैं, पत्नी है, कोई भी है, उसका फ़ोन मान लो सुबह को 8 बजे आ रहा है,
रोज आप उससे 8 बजे फ़ोन पे बात करती हैं, ठीक, उसको 8 बजे फ़ोन से बात करते हैं तो हमें हो गया 3 महीने 4 महीने बात करते हुए। मान लीजिए 4 महीने में रोज़ाना बात करने के लिए हो गए, 8 से 8:20 के अंदर उनका फ़ोन आता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम कुछ नहीं करते, फ़ोन उठाएंगे, हेलो भी नहीं कहेंगे, मतलब जो अपनी बात हैं उसी में खो जाएंगे एकदम से कि भाई वो फ्रेंड हमारा है, फ्रेंड का ही फ़ोन होगा, उसका ही फ़ोन होगा, तो हम उसी का नाम लेके बोलने लग जाते हैं। तो होता क्या है, एक बार किसी और का फ़ोन आ जाता है, हमने वो नंबर तो देखा नहीं, उसी लहजे में हम बात करने लग गए। तो ये है दोस्तों यहाँ पर शियार, क्योंकि ये फ़ोन हमने रिसीव किया, नंबर नहीं देखा और हम जो है हम बोलने लगे। उसी तरह कुत्ते ने घंटी की आवाज़ सुनी और जो है भोजन को देखा नहीं, उसे पता भोजन मिलेगा तो उसकी लार टपक गई। दोस्तों पावलोव का सिद्धांत जो है उस शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो पहला क्या रखता है, सतर्क रहना, बच्चों को सतर्क रहना चाहिए अपने कार्य के प्रति, और पुनरावृत्ति पर बल देना चाहिए, यानी कि पाठ का पुनरावृत्ति करनी चाहिए, किसी भी टॉपिक की पुनरावृत्ति जरूर आवश्यक है, और पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंध स्थापित करना चाहिए। भाषा को सीखने के लिए विशेष उपयोगी जो सिद्धांत है, भाषा को सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी है और आदतों के निर्माण में विशेष उपयोगी माना गया है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सिद्धांत के साथ, कल मिलते हैं। आज की वीडियो जो ही मैथ की डिले हो गई थी इसी के चक्कर में, सी टेट के चक्कर में, तो माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्टडी पॉइंट।